हेलो किसान भाइयों, मैं शुभम कीट विज्ञान विशेषज्ञ आप सभी लोगों का अपने चैनल कृषि ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बैगन में लगने वाला कीट शूट बोरर एंड फ्रूट बोरर के बारे में, जिसका हिंदी नाम होता है तना छेदक और फल वेधक इसका हिंदी नाम होता है, जो कि हम जानते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसका कंट्रोल के बारे में आपको बताएंगे, कौन सा दवाई यूज करना है, सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप देखते होंगे किसी प्लांट को, अगर उठा के देखेंगे, चाहे कोई भी प्लांट हो, जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है उसे उठा के देखेंगे, तो इसकी जो फुनगी होती है, देखिए ये फुनगी होती है, जब इसे उठा के देखेंगे तो ये फुनगी ऊपर से क्या हो जाती है, लटक जाती है। और एक प्लांट में कम से कम 6-7 से 10 फुनगी होती हैं, लटक जाती है, और इसमें ये छेद बन जाता है। देखेंगे बारीकी से चेक करेंगे तो छेद बन जाता है, और जब इस छेद को तोड़ेंगे तो आपको यहाँ से एक इंसेक्ट मिलेगा। कभी कभी ये इंसेक्ट तने को छेद करते हुए नीचे तक चला जाता है और बाद में गायब हो जाता है या कहीं निकल जाता है। तो यही आपके प्लांट को इफ़ेक्ट करता है, ये प्लांट के जो जिससे पोषक मिलते हैं प्लांट को, वो पूरी तरह से ख़राब कर देता है और फ्रूट में चला जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके प्लांट में भी ऐसा रोग लगा है और ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो आप इसे तोड़ के चेक कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर ऐसा प्लांट आ रहा है तो करेक्ट मान लीजिए, 100% मान लीजिएगा कि ये शूट बोरर का इफ़ेक्ट है। जब ये तना में होता है तो ये शूट बोरर का इफ़ेक्ट है, वही जब फ्रूट में होता है, फल में होता है, बैंगन के फल में होता है, तो उसे फ्रूट बोरर का इफ़ेक्ट कहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपके प्लांट में ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्लांट में ऐसा रहे तो आपको सिस्टमैटिक दवा यूज करना चाहिए। अब किसान भाइयों, आपके मन में होगा कि सिस्टमैटिक दवा होता क्या है, तो आपको बता दूं, जो सिस्टमैटिक दवा होता है वो जब हम प्लांट में डालते हैं तो उसके पूरे शरीर में ये अंदरूनी से, मतलब आंतरिक उसके कोशिकाओं में यह इंक्लूड हो जाता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन आपको कॉन्टैक्ट पॉइजन नहीं करना है, डाइजेस्टिव पॉइजन नहीं डालना है, जब भी डालना है सिस्टमैटिक, जिससे क्या होता है उसके शरीर में सारे जो जहरीले पदार्थ हैं इंक्लूड हो जाएँ, चले जाएँ उसके अंदर। तब क्या होगा कि जब भी इंसेक्ट उसके तने के अंदर बीज पोल में जाके खाएगा तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसके पूरे शरीर में जहर रहता है। लेकिन अगर पत्तियों के ऊपरी सरफेस पे खाली छिड़काव करेंगे, स्टमक पॉइजन करेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइजन करेंगे, तो क्या होगा, ऊपर पत्ती पे आएगा तभी वो मरेगा, वरना नहीं मरेगा। लेकिन वो जब तने के बीचों बीच जाकर खाएगा तब भी नहीं मर पाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक दवाई जब यूज करेंगे तो वो मर जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक दवाई यूज करना है, वो मार्केट में आपको उपलब्ध है, जैसे कि बायर का फेम इंसेक्टिसाइड फ्लुबेंडामाइड 480 SC में आता है, इसका यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई है, आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम आगे वीडियो में आपको और भी दवा बताएंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो दवा इस समय चल रहा है फेम इंसेक्टिसाइड बायर कंपनी का, इसलिए मैं इसको पहले ही आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। मैं किसी कंपनी का प्रचार यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको मर्जी है, फ्लुबेंडामाइड 480 टेक्निकल नेम है, आप इस नेम से लीजिएगा, चाहे किसी भी कंपनी का लीजिएगा, लेकिन फिलहाल बायर कंपनी का फेम इंसेक्टिसाइड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो किसान भाइयों, तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, अब आप इस फुनगी को हमने तोड़ लिया है और इसमें इंसेक्ट नहीं था, क्योंकि ये इंसेक्ट कहीं ना कहीं निकल जाता है और यही बाद में प्यूपेशन क्रिया होकर एडल्ट में कन्वर्ट होकर फिर से एक अंडा देता है, और पत्तियों के नीचे सतह पर देकर बाद में फिर यही लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किसान भाइयों देख रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा प्लांट यहाँ पे लगाया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सभी प्लांट में हम चेक कर रहे हैं ऐसा कोई रोग लगा है या नहीं। फिलहाल इस प्लांट में मैं बता दूं कि अभी हाल में ही छिड़काव किया गया है, बायर कंपनी का फ्लुबेंडामाइड 480 SC आप छिड़काव कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पे भी देख रहे हैं मुरझाया गया है, प्लांट मुरझा गया है, तो इसके कहीं ना कहीं तनों में ऐसा इफेक्ट है जिसके कारण यह मुरझा गया है। तो चलिए किसान भाइयों, आपको और भी ज़्यादा अपना फील्ड दिखाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इसमें प्लांटिंग किए हैं,
जो कि ब्रिंजल का है। अब आपको बताते हैं इससे रिलेटेड दवा के बारे में, कैसे आप इसका कंट्रोल करें। चलिए किसान भाइयों, तो किसान भाइयों जो फर्स्ट दवा है वो उसका टेक्निकल होता है स्पाइनोटोराम होता है, 11.7% SC में आता है, जिसका डोज हम 15 लीटर पानी में 18 ml दवा मिलाकर प्रयोग करते हैं। ये दाऊ कंपनी का दवा होता है, डेलीगेट इंसेक्टीसाइड के नाम से आता है। अब चलिए तीन बेस्ट दवा का बात करते हैं जो कि आपके ब्रिंजल सूट एंड फूड बोरर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि पहला है जरा डिरेक्टिन दवा आता है, जिसका 1.0% EC में आता है, जिसका 3 ml पर लीटर पानी मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, छिड़काव शाम के टाइम आपको करना है। सेकेंड दवा होता है क्लोरांट्री नीलीप्रोल दवा होता है, 18.5% WW में आता है, जो कि यस्सी फार्म में आता है, 2 ml पर लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। नेक्स्ट दवा है फ्लुवेंडामाइड, 480 SC में आता है, जिसका 2 ml पर लीटर पानी में आप यूज कर सकते हैं। यह दवा का डोज आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये दवा जो आता है ये बायर कंपनी के नाम से भी आता है, बायर का फेम इंसेक्टीसाइड के नाम से आता है। अगर आप ये मार्केट में जाएंगे तो आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का जो हमने दवा बताया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही कारगर है, और आपके प्लांट में लगने वाले सूट बोरर एंड फ्रूट बोरर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।